सब्सक्राइब कर लीजिए डीआईवाई दिव्या चैनल को और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं लौकी की खीर को कैसे बनाती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल, इजी और टेस्टी रेसिपी है। जैसे कि नवरात्रि चल रहे हैं और काफ़ी लोगों का व्रत भी होगा, तो आप इसको व्रत में आसानी से खा सकते हैं। सबसे पहले आप एक पैन में घी को गर्म करने के लिए रख दें। जब घी गर्म हो जाए तब उसमें लौकी को कद्दूकस करके बॉयल कर लीजिए, उबाल लीजिए। फिर उस लौकी को ठंडा कर लीजिए और उसका जो पानी है वो सारा हाथ से निचोड़ करके अब उसको इस घी में फ्राई कर लीजिए। ये मैंने ऑलरेडी ठंडी करके और पानी निकाल करके इसका रखा हुआ है, तो अब मैं इस लौकी को इस घी में फ्राई होने के लिए डाल दूँगी। मैंने लौकी को उबालने के लिए कद्दूकस करके डायरेक्ट ऐसे ही कुकर में डाल दिया है, क्योंकि लौकी में ऑलरेडी पानी होता है और इसमें सिर्फ 2 सीटी लगाई हैं और ये उबल गई है। और ध्यान रहे, गैस को मैंने मीडियम पर चढ़ाया हुआ था, आपको तेज आंच पर लौकी को नहीं उबालना है। अब मैं लौकी को अच्छे से फ्राई कर लूँगी इस घी में। आपको बहुत ज़्यादा ही फ्राई नहीं करना है और इसको चलाते रहना है ताकि ये जो लौकी है वो जले ना। जब लौकी अच्छे से फ्राई हो जाए तब इसमें आप मिल्क को ऐड कर लीजिए। मैंने फुल क्रीम मिल्क को लिया हुआ है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। मिल्क आप उस अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, आपको कितनी खीर ज़्यादा गाढ़ी खानी है या पतली खानी है। मैं खीर को बहुत ज़्यादा पतली नहीं खाती हूँ, मैं गाढ़ी खीर खाती हूँ, तो इस हिसाब से मैंने मिल्क को इसमें ऐड किया हुआ है। मिल्क डालने के बाद आपको इसमें चीनी डालनी है और चीनी डालने के बाद आपको इसको चलाते रहना है। चलाते रहिएगा क्योंकि कभी कभी चीनी डालने के बाद खीर फटने का डर रहता है, इसलिए आपको इसको तब तक चलाना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। इस खीर को आपको फुल आंच पर चलाना है जिससे कि ये जल्दी खोलने लगेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अब मेरी जो खीर है वो खोलने लगी है अच्छे से, तो अब मैं इसको चलाना बंद कर दूंगी। अब आप इसमें आपके जो भी मनपसंद ड्राई फ्रूट्स हों आप उनको डाल लीजिए। मैंने यहाँ पर मखाने, चिरौंजी का इस्तेमाल किया हुआ है और साथ ही साथ मैं इसमें थोड़ी सी इलायची भी मिलाऊंगी। आप सब कुछ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मुझे इलायची थोड़ी सी पसंद है तो मैंने बिल्कुल ज़रा सी इलायची इसमें ऐड की हुई है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और अब मैं इसको थोड़ी देर और चलाऊंगी जिससे कि थोड़ी सी और गाढ़ी बन जाए। थोड़ी देर खौलाने से खीर में एक सौंधापन आता है जिससे यह और ज़्यादा टेस्टी लगने लगती है। तो आप देख सकते हैं ये खीर बनके एकदम रेडी हो चुकी है। आई होप आपको ये खीर खाने में अच्छी लगेगी। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा और मेरे इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और भी मेरे पास बहुत सारी व्रत की रेसिपी हैं, जो सेंधा नमक होता है, व्रत वाला नमक होता है, उसको डाल करके बनाई जाती हैं। आप चाहेंगे तो मैं वो भी आपको बता दूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।